नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर डीपी गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज मेवाड़ के महाराणा रायमल पर अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको विदित है, महाराणा कुंभा की 1468 में उनके पुत्र उदा द्वारा कटार से हत्या कर दी गई थी और वो उत्तराधिकारी के रूप में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठ गए थे। उन्होंने लगभग 5 सालों तक शासन किया, 1468 से 1773 तक। लेकिन उनके शासन से जनता खुश नहीं थी, क्योंकि वो पितृहंता के रूप में उनको देखती थी कि जो अपने पिता का सगा नहीं हो, जनता का क्या सगा होगा। इस कारण उनके शासनकाल में जन विद्रोह हो गया। परिणाम स्वरूप लोगों ने उनको राज सिंहासन से उखाड़ फेंका और रायमल को, जो कुंभा के दूसरे पुत्र थे, उनको राज सिंहासन पर बैठाने का निश्चय किया। जिस समय यह घटनाक्रम हुआ, उस समय ईडर के राज्यपाल के रूप में रायमल अपना कार्य कर रहे थे, तो मेवाड़ के समस्त सरदार और जो उच्च अधिकारी थे वो गए, उन्होंने चित्तौड़गढ़ पर लाके उनका राज्याभिषेक कर दिया। इस प्रकार से महाराणा रायमल का राज्याभिषेक हुआ। इनका शासनकाल 1473 से 1509 ईस्वी तक का रहा। महाराणा रायमल के शासनकाल की प्रमुख विशेषता ये थी कि इन्होंने राज्य में होने वाले समस्त विद्रोह को समाप्त किया और वैवाहिक संबंध स्थापित करके इन्होंने अपने जो निकटतम प्रतिद्वंदी शत्रु राज्य थे उनसे भी सौहार्दपूर्ण रिश्ते बना लिए थे। महाराणा रायमल ने तीन पुत्र थे। इन्होंने 11 विवाह किए थे। इनमें से इनके पटरानी का नाम रतन कंवर था। रतन कंवर के 2 लड़के थे, पृथ्वीराज और संग्राम सिंह, और रानी वीर कंवर के पुत्र का नाम था जयमल। इनके ये कुल 3 ही पुत्र थे जो उत्तराधिकारी के लिए एंटाइटल थे, लेकिन पृथ्वीराज को तो जहर दे के मार दिया गया था और जय सिंह युद्ध में मारा गया। अंत में संग्राम सिंह ही बचे, जो राणा सांगा के नाम से भी इतिहास में जाना जाते हैं। उनको फिर राजसत्ता सौंप दी गई। महाराणा रायमल ने जोधपुर से भी अपनी जो शत्रुता थी वो पूर्ण रूप से समाप्त कर दी। इन्होंने वहाँ की राजकुमारी श्रृंगार देवी से विवाह किया और इस शत्रुता को पूर्णतः समाप्त कर दिया। इसके अलावा राजनीतिक दृष्टिकोण से राय सिंह टोडा व अजमेर पर राणा रायमल ने आधिपत्य स्थापित करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। रायमल के शासनकाल में मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन ने उसके जो भाई था उदा, जिसको जनता ने उखाड़ फेंका था, उसने संयुक्त रूप से मेवाड़ पर आक्रमण किया था। तो इन दोनों की संयुक्त सेना को रायमल ने पराजित किया। इसी समय, युद्ध के कुछ ही समय पहले, राउदा पर बिजली गिर गई, जिससे उनकी मौत हो गई। अब उदा की मौत होने के पश्चात उनके पुत्रों ने मांडू के शासक सुल्तान गयासुद्दीन से मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण करने का निश्चय किया, लेकिन राणा रायमल ने कूटनीतिक प्रयासों से उनके इस मंशा को पूर्णतः विफल किया। और इस प्रकार से जब गयासुद्दीन अकेले ही चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने पहुंचा, तो कूटनीतिक दृष्टिकोण से रायमल ने अपने समस्त शक्ति के साथ उस पर आक्रमण किया और उसको भागने के लिए विवश होना पड़ा, जिसका पीछा मांडू तक महाराणा रायमल द्वारा किया गया। महाराणा रायमल की मृत्यु
1509 ईस्वी में हुई और इनकी मृत्यु के साथ ही मेवाड़ के राजगद्दी पे माणा सांगा का राज्याभिषेक किया गया। धन्यवाद, आज इतना ही, कल फिर माणा सांगा के बारे में अपन बात करेंगे।